नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। सीवर मालूम है, और जब वो 8 पुलिस कर्मी हमारे शहीद हो जाते हैं तो उनको श्रद्धांजलि देने हम जीपीओ जाते हैं, और जीपीओ पे जाने के बाद हमें पुलिस अरेस्ट करके यहाँ जेल भेज देती है। ये तानाशाही रवैया है, ये ब्रिटिश हुकूमत है। सुनिए, ये जनतंत्र है और हम जनतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे ऊपर होती है। जो पुलिस कर्मी है वो हमारे भाई बंधु हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं, उनको हम ये चाहते हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। माने योगी जी, माने मुख्यमंत्री जो है उनका मोदी जी, योगी जी और वो प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचाने की कष्ट करें कि कृपा करें कि जो है जो हम लोग इसलिए रोड पर आए हैं कि जो हमारे पुलिस कर्मी शहीद हुए वो लोग निर्दोष है, वो तो अपनी ड्यूटी पर थे। तो उनके कार्यकर्ता जितने भी थे वो जीपीओ गांधी प्रतिमा पे शांतिपूर्वक एक श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए थे। जैसे ही हम लोग गांधी प्रतिमा पे पहुंचे, वैसे ही पुलिस ने अपनी योगी सरकार के इशारे पे पुलिस ने हम लोगों पे लाठीचार्ज। योगी सरकार के आप सत्ता के नशे में योगी जी, हम लोग कोई भी जनता की आवाज को उठाने के लिए जिस टाइम भी हम लोग संघर्ष करते हैं, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करती है, उनके ऊपर मुकदमे लगाती है और उनको जेल भेजने का काम करती है। मैं योगी जी को बता देना चाहता हूं कि वो अपने सत्ता के नशे से उतर। समाजवादी पार्टी लखनऊ का महानगर का महासचिव हूं। महासचिव जी, अब हाँ बोलिए, अब आप क्या तरीका है? मेरा कहना ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जो कि योगी जी कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया कि गुंडों को हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को छूट दे रखी है कि ठोक दो ठोकों की नींद पे, उसी प्रकार से गुंडों ने, माफियाओं ने कल कानपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस को ठोकने का काम किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो उत्तर प्रदेश के पुलिस को ठोकने का काम योगी जी के गुंडों ने किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस, जब पुलिस ही नहीं सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। हाथ में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के लिए श्रद्धांजलि सभा करने के लिए जीपीओ पार्क पर जा रहे थे, जहां पर योगी सरकार की पुलिस ने बहुत ही बर्बर तरीके से लाठी चार्ज किया। हम समाजवादी पार्टी लोगों के ये मांग थी, कुछ लोग शहीद भी, मतलब कुछ लोग जो है घायल भी हुए, हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए उस लाठी चार्ज में, घायल हुए 16 लोग घायल हुए और भेजा गया, और जो हम लोग गए थे उन शहीद कर्मियों की मुआवजे की मांग को लेकर के लखनऊ समाजवादी पार्टी के लोगों की ये मांग थी कि जो मृत पुलिसकर्मी हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। आपकी पोस्ट क्या है? सुशील दीक्षित, लखनऊ महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आप? मैं समाजवादी छात्र सभा के सचिव हूँ। कहाँ से हैं आप? लखनऊ जनपद से हैं हम लोग। तो सही, आप ये बताया क्या करना चाहते हैं आप? हम लोग कानपुर में जो ये एक दुर्दांत घटना हुई है और जिस प्रकार पुलिस का इकबाल गिराया गया है और एक डिप्टी एसपी रैंक के सर्किल ऑफिसर की हत्या करी गई, एक थाना अध्यक्ष की, कई एसआई थे और कई पुलिस के कांस्टेबल थे, पुलिस के इकबाल को नीचे गिराने का प्रयास किया गया। 11 लोग थे जी, पुलिस के इकबाल को गिराने का प्रयास किया गया है। हम योगी सरकार से इस बात का आह्वान। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रवेश कुमार, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा। आप लखनऊ से हैं? जी, लखनऊ में बक्सी का तालाब विधानसभा से हूँ। अच्छा, बीजेपी से आप हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं हमारे जो पुलिस प्रशासन के जवान शहीद हुए हैं, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान उनको, उनके परिवार वालों को दुख सहन की क्षमता दे। और मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि उनके परिजनों को 50-50 उनके परिजन को 50 लाख रुपए की मदद करें और उनके एक परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम समाजवादी आंदोलन करते रहेंगे। हम समाजवादी लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर समाज के, चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, सबके साथ वो न्याय करते हैं। तोड़ना चाहती है, जलाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, और जो ठोको नीति के तहत इस प्रदेश के मुखिया हमेशा ठोको नीति अपनाए हैं, उसी तरीके से साजिश करके फौज के जवानों को मरवाने का काम कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो पुलवामा अटैक हो जाता है, फिर चुनाव आता है तो बिहार की रेजिमेंट मारी जाती है, फिर चुनाव आता है तो जिसमें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, जिस पर 52 मुकदमे हैं, जो
जिस पर हम सब 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 इनाम होना चाहिए, 25,000 इनाम रखा जो मामूली जेब पर।